नमस्कार आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड यू आर वॉचिंग मंडे टू सैटरडे की न्यूज ऑन द संडे शो। देखो, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। क्या खत्म, टाटा बाय बाय? सीट वीट तो जीती नहीं है तुमने, कोई नाक कटा दी। यूपी की वोटिंग देख के बाहर निकले ऐसे करके, लोगों ने बोला क्या हुआ, जीत गए? कह रहे नहीं, दो सीटें आई हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। खैर, इस सबसे मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि अगले 5 साल तक मुझे कंटेंट की कोई कमी नहीं होने वाली। जो पंजाब में अपनी प्रजाति का आदमी सीएम बन रहा है तो वहां कॉमेडी होगी, और बाकी स्टेट्स में बीजेपी जीती है तो वहां तो कॉमेडी होगी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। हफ्ते का सबसे बड़ा बवाल तब हुआ जब 9 तारीख को भारत ने पाकिस्तान की तरफ गलती से मिसाइल छोड़ दी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मतलब क्या भैया, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें चल रही हैं, दोनों न्यूक्लियर देश हैं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है जहां गिट्टी फेंकने में फटती है लोगों की, तुम मिसाइल डाक दिए, क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? और सुनो, वजह बता रहे हैं तकनीकी खराबी, टेक्निकल ग्लिच की बातें होंगी कि यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर है कि, मतलब मिसाइल है, लिफ्ट का बटन थोड़ी है कि आपने गलती से दबा दिया। कल को घाई घाई में पाकिस्तान वाले ऐसे कुछ फायर करते हैं फिर हमारे केआर के भाई को लग सकती है उड़ती चीजें लेने की आदत। खैर, जोक्स अपार्ट, दिस वाज अ टेक्निकल ग्लिच एंड दिस वाज अ मिसाइल विद नो वॉरहेड, यानी कि ये बिना बारूद की मिसाइल थी, और गनीमत से इस मिसाइल की वजह से कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मामले पर भारत सरकार ने खेद जताया है और इसको सख्ती से लेते हुए एक हाई लेवल इंक्वायरी भी बिठाई है। और पाकिस्तानी भाई बंधुओं, बुरा मत मानना, मतलब आप हमारे चुनाव जिताते हो, आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम मिसाइल नहीं मारेंगे आप पर। और वैसे भी जो काम रिपब्लिक के पैनलिस्ट कर लेते हैं उसमें हम अपनी आर्म फोर्सेस को क्यों इन्वॉल्व करें? इसी हफ्ते एक और वीडियो वायरल हुई जो अपेरेंटली किसी शादी में एक स्टेज पर दूल्हा दुल्हन की वीडियो है, जिसमें जो दूल्हा है वो दहेज की मांग ऐसे कर रहा है जैसे 2 प्लेट पानी पूरी के बाद सूखी पापड़ी की मांग कर रहा हो। मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? उन लोगों से बात हुई थी फोन पर, बोले कि अच्छा आइए मेहमान जी, यहाँ आपका सब कुछ रखा हुआ है, और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि अभी तक नहीं अरेंज कर पाए हैं ये लोग। अगर ऐसा बात था तो अपने औकात वालों जैसा कर सोच, मतलब खोजते। बातें देख रहे हो, औकात, और इसे देखो, देख कैसा लग रहा है, इसे दहेज की कम डाइट की ज्यादा जरूरत है। सोना का चेन और अंगूठी वो भी बाकी है। मांग चेन रहा है, हरकतें पट्टे वाली है इसकी। तो उम्र वक्त में मिल जाएगा? नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए। ऐसा लग रहा है दहेज नहीं, उधार के पैसे मांग रहा हो। खैर, इस वीडियो के वायरल होने के कुछ ही समय बाद पता चला कि ये वीडियो असली नहीं है, यानी कि दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक नाटकीय रूपांतरण हो रहा था जिसकी एक क्लिप है, यानी कि एक स्टेज वीडियो है, एक स्किट है जिसे किसी ने असली क्लिप बताकर आपको चिपका दिया और आपने शेयर कर दी। लेकिन ये वीडियो भले ही फेक हो, लेकिन ये प्रॉब्लम एकदम रियल है। 1961 से दहेज प्रथा गैर कानूनन होने के बावजूद, यानी कि इल्लीगल होने के बावजूद भी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। आपको लगता होगा कि हमारे देश में दहेज प्रथा भी एक हिस्ट्री हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर, जब कुछ रिसर्चर्स ने 1960 से लेकर 2008 के बीच में लगभग 40,000 शादियों का आकलन किया, तो उन्हें पता चला कि इन सब में से लगभग 95%, यानी कि 95% शादियों में दहेज दिया गया था। यही नहीं, सिर्फ दहेज प्रथा की वजह से हमारे देश में हर साल लगभग 8,000 महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दहेज प्रथा की वजह से हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो भी पनपती हैं। अगर आप एक नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे डाउरी डेथ करके, तो आपको हजारों ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें महिलाएं दहेज प्रथा का शिकार हुई हैं। तो मेक नो मिस्टेक, दहेज लेना या दहेज देना कानूनन और नैतिक तौर पर गलत है। एनीवे, भले ही वीडियो फेक हो, लेकिन इस बात से तो सब अग्री करेंगे कि इस भाई की एक्टिंग बहुत रियल थी। तो प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन, और आप लोग, भाई पता है आपकी भावनाएं पनप रही हैं, लेकिन कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले एक बार उसे फैक्ट चेक जरूर कर लीजिए, और अगर फिर भी वीडियो शेयर करने का इतना ही आपको कीड़ा पनप रहा है तो हमें क्या कांटे लगे हैं। बिग न्यूज कमिंग इन। इससे पहले थोड़ा आगे बढ़ूं, आपको इलेक्शन की समरी दूं, फटाक से आपको कोविड अपडेट्स बता देता हूं। हमारे देश में इन दिनों लगभग 3,500 कोविड केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, पर बड़ी खबर है चाइना से, जहां पर हाल ही में
एक नया कोविड का पीक देखा गया है, जिसके चलते चाइनीज सरकार ने चेंगचुंग नामक एक शहर को पूरी तरीके से लॉकडाउन में डाल दिया है। बट थैंकफुली हमारे देश से अच्छी खबर ये है कि लगभग 2 साल बाद अब भारत सरकार दोबारा से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू करने जा रही है। और ये भक्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अब आप चुनाव भी जीत गए और गो टू पाकिस्तान भी बोल पाओगे, अमृतकाल। और जैसा कि आपको पता है, इस हफ्ते असेंबली इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन जल्दी से एक क्विक समरी आपको दे देता हूं। यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है और यहां ये पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इंडिपेंडेंट कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनके सपोर्ट से गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में बीजेपी को बहुमत हासिल मिली है, सिर्फ पंजाब को छोड़कर, जहां आम आदमी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है। और रही बात कांग्रेस की, तो क्या बोलूं, मतलब ये आपका चुनाव चिन्ह है, कम से कम इतनी ही सीट जीत लो। और अगली खबर है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहां से। अब रशिया पूरे दुनिया भर से एक इकोनॉमिक वॉर झेल रहा है। इसका मतलब कि ये कि यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने के बाद से सिर्फ 10 दिनों के अंदर दुनिया भर के देशों ने रशिया पर इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि अब वो दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन लगने वाला देश बन चुका है। जितने सैंक्शन रशिया पर लगे हैं उतने अभी तक नॉर्थ कोरिया पर भी नहीं लगे हैं, पर फिर भी अभी भी वॉर रुकने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक अन्य खबर में इस हफ्ते आई फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज को मद्देनजर रखते हुए भारत का स्कोर एक बार फिर से घटा दिया है, यानी कि कम कर दिया है। फ्रीडम हाउस ने इसका कारण माइनॉरिटीज के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, क्रैकडाउन ऑन मीडिया और लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे मुद्दे बताए हैं। अगली खबर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। यूक्रेन में आई एक क्राइसिस और उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के इवैक्यूएशन का हवाला देते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 7 तारीख को प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि अगले साल से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। कहा गया है कि इसका सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगा। आपका इस फैसले के बारे में क्या ख्याल है, आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज। देखिए, हो सकता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो, लेकिन आजकल के इंस्टाग्राम के जमाने में अगर डॉन को इन्फ्लुएंसरबाजी सवार हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा ही हुआ उज्जैन में, जहां पर एक महिला अपने आप को लेडी डॉन बता रही थी इंस्टाग्राम पर पिस्टल की फोटो डालकर। पुलिस ने धर दबोचा। आगे स्वाद। दूसरा सुनो, एक आदमी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तस्करी करते हुए। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काफी लोग तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट पर। कोई ड्रग्स की तस्करी कर रहा होता है, कोई सोने की तस्करी कर रहा होता है, लेकिन इस आदमी को तस्करी करते पकड़ा गया क्योंकि इसकी जैकेट में पता क्या मिला? 52 यानी कि 52 सांप और छिपकलियां। 52 सांप, भाई तेरे को जू खोलना था क्या? मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, पर कमेंट पढ़ोगे लोगों के? सांप को पल रहा था फॉर रियल, आस्तीन का सांप। काजल जी का बड़ा इनोसेंट सवाल है, बट क्यों? क्या करेगा वो इसका? ये इंसान है या बियर ग्रिल्स? गुरमीत लिखते हैं, ये नया वायरस का लॉन्च करने वाला है। वॉन्डरिंग लद्दाख, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे दुनिया। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। अच्छा, दुनिया भर में इसी हफ्ते मनाया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसका थीम रखा गया ब्रेक द बायस, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो असमानताएं हैं उनको खत्म किया जाए और इक्वालिटी लाई जाए। अब इसी बीच फ्लिपकार्ट में बैठे किसी जीनियस ने अपने कस्टमर्स को ये नोटिफिकेशन दिया, डियर कस्टमर, दिस वुमेन्स डे लेट सेलिब्रेट यू, गेट किचन अप्लायंसेस एट डिस्काउंटेड रेट। तुम्हें महिलाओं को किचन अप्लायंसेस सेलिब्रेट करने के लिए वुमेन्स डे ही मिला? फेमिनिस्ट बेचारे 200 सालों से लगे हैं सोसाइटल नॉर्म्स को चेंज करने में, इनको एक नोटिफिकेशन लगा पूरी मेहनत पर पानी फेरने में। मतलब वुमेन्स डे पे कोई वुमेन को किचन अप्लायंसेस बेच रहा है, इट्स लाइक ब्लैक लाइफ मैटर्स में कोई डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर लेके खड़ा हो गया हो। ठीक है भाई, बोल्ड मार्केटिंग चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं। इससे अच्छा तुम लिखो, यू हैव 8 मिस कॉल्स फ्रॉम मॉम, शी वांट्स इट टू टेल यू दिस, है ना ओला। बकवासेपुर के अगले मेंबर हैं राजस्थान के मिनिस्टर शांति कुमार धरेवाल जी, जो रेप के मामले में कुछ इस प्रकार स्टेटिस्टिक्स दे रहे थे। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है तो साला, तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। ये हमारे मंत्री है, ये हमारे लॉ बनाते हैं, कहीं ना कहीं गलती है तो साला, तो मतलब भाई पढ़ कैसे रहा है कि हाँ रेप में नंबर 1, कहीं ना कहीं गलती है तो साला हट।
और ये बताओ जब रेप का नाम आया तो सब दयाराम का नाम लिख क्यों ले रहे हैं? दयाराम कौन है? मतलब आप देख रहे हो हमारे देश की स्थिति, वी एज कॉमेडियंस कांट मेक रेप जोक्स बट पॉलिटिशियंस कैन। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। बोलिए बड़े पत्रकार हूँ, बोलिए की जूते सीधी करने वाले पत्रकार हूँ। चलिए लेट्स टॉक अबाउट अवर डियर इंडियन मीडिया। देखो आप ये तो सबको पता है कि इस हफ्ते यूपी इलेक्शन खत्म हुए, जिसके बाद ये लोग अपने स्टूडियो में ऐसे नाचे हैं जैसे इनकी सगी ननद की सगाई हो। बट वील कम टू दैट लेटर। उससे पहले मैं आपको पूछूंगा, क्या आपको ये व्यक्ति याद है? जिसको नहीं पता ये है प्रदीप बंदा, भंडारी जी। ये दुनिया के ऐसे पहले रिपोर्टर हैं जो रिपोर्टिंग करने के साथ साथ गरबा भी खेल लेते हैं। मिस्टर आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का। इस हफ्ते इन्होंने एक न्यू ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म प्रमोट की है, पुशअप पत्रकारिता। एक सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है, दूसरी सीट भी पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है 403 में से। अब तीसरी सीट को जीतते 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 कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, टीआरपी के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। अर्नब भाई उस दिन पंजा लड़ा रहे थे, ये इन्होंने लेवल अप किया, ये पुशअप करने लगे। अब कल को क्या पता गुल्लू भाई अपन को डेडलिफ्ट करते मिले स्टूडियो में। थोड़ी मर्यादा रखिए। और देखो अब जर्नलिज्म ना थोड़ा बदल गया है। रिपोर्टिंग के वो जमाने गए जब इलेक्शन के बाद आके पत्रकार किसी टीवी न्यूज चैनल पर बोलते थे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 255 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुई, कांग्रेस को 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट और 111 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई। अब तो मछली मार्केट होता है पूरा। 33 से 36 बीजेपी साइकिल साइकिल। ये न्यूज थोड़ी है, ये नाप तोल पर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है यहाँ पर। नाम ही काफी है, यहाँ पर तो नाम ही काफी है। देखिए 70-80 हज़ार रुपए आप आगे मुझे फोन ले देते हैं, आज वैसा ही दिखने वाला फोन। हंस क्या रहे हो, तुम्हारा ही मजाक उड़ रहा है यहाँ पर। कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। इस सेगमेंट में हम हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करते हैं और कुछ इंस्पिरेशनल लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। और पहली कहानी है एक स्विगी डिलीवरी एजेंट रोशन डालवी जी की। मुंबई में जब कुछ लोगों की आधी रात को बाइक खराब हो गई तो इन्होंने अपनी बाइक रोककर, अपनी डिलीवरी रोककर इन लोगों को अपनी गाड़ी में से पेट्रोल डालकर उनकी गाड़ी में डाला ताकि वो पास के पेट्रोल पंप तक पहुंच सके। अब आप बोलेंगे कि यार सार्थक इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आजकल सभी लोग कर देते हैं। पर यही तो बड़ी बात है, आजकल सब लोग ये नहीं करते। अच्छा क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी काफ़ी फेमस है, मौका मौका करके दोनों टीम के फैंस एक दूसरे की जान पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही में एक अच्छी और खुशनुमा तस्वीर देखने को मिली वुमेन क्रिकेट से, जहां इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद एक पाकिस्तानी प्लेयर बिस्मा मरूफ की बेटी के साथ इंडियन प्लेयर्स खेलते और सेल्फी खींचते दिखे। इसी मुलाकात की एक फोटो को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कहकर भी शेयर किया है। और अगली पॉजिटिव खबर है यूक्रेन से, जहां पर अभी भी जंग के हालात कायम हैं। आपको इंटरनेट पर ऐसे काफी सारे फोटोज और वीडियोस दिख जाएंगे जो दिल दहला देते हैं। लेकिन ऐसे ही में अंधेरे के बीच रोशनी बनकर सामने आए हैं भारत के रौनक रावल और पाकिस्तान के मुआजम खान। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों स्टूडेंट्स और महिलाओं को यूक्रेन से सलामत वापस आने में मदद की है। और आखिरी पॉजिटिव खबर है झारखंड के एक गांव कास्ता से, जहां पर वहां के गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक नदी पार करके जाना पड़ता था। काफी मिन्नतें करने के बाद भी प्रशासन इन बच्चों के लिए एक ब्रिज नहीं बना पाया, तो गांव वालों ने खुद क्राउड फंडिंग करके और खुद सीख कर लगभग 900 मीटर लंबा ब्रिज बनाया ताकि उनके गांव के बच्चे स्कूल जा पाए। ऐसी स्टोरीज हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहन देती हैं, इंस्पायर करती हैं। और आप भी कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं ऑडियो बुक से, जैसे कि मैंने इस हफ्ते कुछ नया सीखा कारगिल वॉर पर ये ऑडियो बुक सुनकर, आज के वीडियो स्पॉन्सर कुकू FM पर। कुकू FM एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जो हमारे ही देश में डेवलप किया गया है। इसमें 1000 से ज्यादा घंटे की बुक समरी है, यानी कि किताब पढ़कर उसका सारांश आपको बताया जाता है। इस होली के मौके को सेलिब्रेट करते हैं कुछ नया सीख कर, यानी कि नॉलेज के रंग, कुकू FM के संग। इससे अच्छी बात यह है कि अगर आप 20 मार्च से पहले इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 199 रुपीज में आप इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 20 मार्च के बाद यही डील आपको 399 रुपीज में मिलेगी, तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि इस हफ्ते का मीमर ऑफ द वीक कौन था। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूं, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूं, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूं। जोक और मीम ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, बीजेपी विंस ऑल फोर की स्टेट्स, ऑपोजिशन इज सैड एंड यूट्यूबर्स आर लाइक कंटेंट ही कंटेंट होगा। फिर योगी ही आएंगे, फिर योगी ही आएंगे। नवंबर मैन ने लिखा है, This bike have more seats than Congress and BSP. Congress की दो, BSP की तीन, भाई डबल है इससे। नीरज झा, India accidentally firing of missile which landed in Pakistan. ले मोटा भाई, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे साले। हर्ष आनंद, जो हमारे ट्विटर के मीम स्टार हैं, खूब खाते पीते हुए भी फिट रहने का वरदान सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। सही बात है, खाना और गाली जब भी खाओ पेट भर के खाओ। यूपी लव है हमारा, पर यूपी के लव तो हमें। मीम टाउन बेबी, थर्ड में पेंसिल, फोर्थ में छोटी पेंसिल, फिफ्थ में छोटी पेंसिल, सिक्स पेन, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, कॉलेज। भाई पेन है क्या? डेजा वू। तो ये थे इस हफ्ते आपके द्वारा बनाए गए कुछ मीम्स। आप अगले हफ्ते भी अपने मीम शेयर कर सकते हैं, या फिर संडे विद सार्थक हैशटैग यूज करके अपने कुछ फैमिली मोमेंट शो देखते हुए भी आप शेयर कर सकते हैं और इस एपिसोड में अगले हफ्ते फीचर होने का मौका पा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। द सोहम शो लिखते हैं, मी ब्रेनस्टॉर्मिंग, अर्नब गोस्वामी कैन बी द बिग ब्रदर ऑफ सार्थक भैया, कॉज पहली औलाद हमेशा ही नालायक होती है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सोहम ने लिखा है ये। टॉप 10 लिखते हैं, आपका शो देखते हुए रोटियां बना रहा था, इतना खो गया शो में कि रोटी को जलन होने लगी और काली पड़ गई। तो क्या हुआ अगर रोटी काली पड़ गई? तो क्या वो रोटी नहीं है? ऑल रोटी मैटर्स, रेसिस्ट। एक मोबाइल लिखते हैं, योगी जी आफ्टर वॉचिंग सार्थक संडे शो भी लाइक, आज से तुम्हारा नाम सार्थक नहीं सरकार। ऐसा है, तुम पीछे वाले नाम की तो खिल्ली उड़ाते ही हो, आगे वाला वहीं का वहीं रहने दो प्लीज। आर्यन अग्रवाल लिखते हैं, विन सार्थक ओनली गिव्स न्यूज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे भी लाइक हमने, हमारी क्या गलती है भाई। मुदस्सर हुसैन लिखते हैं, आफ्टर वॉचिंग दिस शो दिल को करार, मजे ले रहे हो तुम सब हैं। रजनी जी ने लिखा है, सार्थक भैया मैं कॉलेज स्टूडेंट, आपका शो देखकर बहुत खुशी मिलती है, थैंक यू। आकाश सिंह ने लिखा है, राहुल एंड गुल्लू भी लाइक, जे बिजती काहे खत्म नहीं होती बे, राहुल गांधी या शिवशंकर। कुनोज ने लिखा है, मुझे कभी कभी क्लाइमेट चेंज वाली फीलिंग आती है, मैं क्लाइमेट चेंज और मेरी क्रश पॉलिटिशियन। अच्छा, वो इग्नोर करती है तुम्हें। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा, कुछ मिस कर गया हूं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा, बाय बाय एंड शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।